झारखंड के सरकारी स्कूलों का हर माह दौरा करेंगे अधिकारी, एक एक जिले का मिला टास्क। सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी अब हर माह कम से कम एक बार जिलों का दौरा करेंगे। इसे लेकर सभी 24 जिलों में एक एक जिले की जिम्मेदारी निदेशक से लेकर अवर सचिव स्तर के पदाधिकारियों को दी गई है। इस क्रम में अधिकारी शिक्षा कार्यालयों तथा स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा परियोजना की समीक्षा करेंगे तथा वहां की कमियों की पड़ताल कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार स्वयं हर सप्ताह किसी न किसी जिले के स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ के बाद अब सारंडा व पोड़ाहाट का जंगल भी नक्सलियों से मुक्त, पुलिस ने के लिए ये नई चुनौती। बूढ़ा पहाड़ के बाद अब कोल्हान क्षेत्र का सारंडा व पोड़ाहाट का जंगल भी नक्सलियों से खाली हो चुका है। यहाँ सक्रिय नक्सली अब ट्राई जंक्शन क्षेत्र यानी सरायकेला, खरसावा, खूटी व पश्चिम सिंहभूम की सीमा में फंसे हुए हैं। ये नक्सली खाली कराए गए क्षेत्र में प्रवेश न करें, इसके लिए भी सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है। ट्राइजंक्शन क्षेत्र में रेंगरा हातू के बाद हलमद, जामरो व सोइतबा में सुरक्षा बलों के नए कैंप तैयार हो चुके हैं। इन कैंप के सुचारू होते ही नक्सलियों का सारंडा व पोड़ाहाट के जंगल की ओर मूवमेंट रुक जाएगा और उन पर दबाव बढ़ जाएगा। इसके बाद बचे हुए नक्सलियों के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वे किसी तरह वहां से भाग जाएं या आत्मसमर्पण कर दें। वे अगर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे या नहीं भागेंगे तो वे सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। झारखंड विधानसभा में छात्र संसद, बच्चों ने सीखी विधायिका की बारीकियां, स्पीकर ने कही ये बात। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के आखिरी दिन गुरुवार यानी 24 नवंबर 2022 को तृतीय छात्र संसद में प्रदेश के छात्र छात्राओं ने संसदीय प्रक्रिया की जानकारी ली। विधानसभा में संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। छात्रों में से ही मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर का चुनाव किया गया। सदस्यों ने सवाल पूछे और संबंधित विभाग के मंत्रियों ने उसका जवाब दिया। आयोजन को भारतीय जनता पार्टी ने नेता और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने अच्छा प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह छठ विधानसभा है। राष्ट्रीय हॉकी टीम में झारखंड का दबदबा, 4 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में बनाई जगह, 3 खिलाड़ी सिमडेगा की रहने वाली। भारतीय हॉकी टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने जगह बना ली है। हॉकी में झारखंड का दबदबा है। बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ। इन खिलाड़ियों में मिडफील्डर निक्की प्रधान, तेज तरारा, फॉरवर्ड सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन किया गया है। फॉरवर्ड ब्यूटी डुंगडुं को पहली बार हॉकी टीम में जगह मिली है। भारतीय महिला हॉकी टीम 27 नवंबर से 18 नवंबर तक स्पेन में आयोजित 18 दिसंबर तक स्पेन में आयोजित FIH महिला हॉकी राष्ट्र कप में शामिल होंगी। झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। झारखंड में कई राज्यों में हॉकी बचपन से खेली जाती है, यह तैयारी राज्य के लिए काम आ रही है। सौदागरों के लिए काला हीरा बना झारखंड का अफीम, यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक सप्लाई। काले हीरे यानी अफीम की खेती एक बार फिर रांची जिले के साथ साथ झारखंड प्रदेश में धड़ल्ले से की जा रही है। हालांकि शुरुआती दिनों में नशे की खेती के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस फूल और फल आने का इंतजार करती है, इसके बाद ही इन पर कार्रवाई करती है। अफीम की खेती जैसे ही शुरू होती है वहीं से शुरू हो जाते हैं बाहरी लोगों का क्षेत्र में आना जाना। इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर अफीम की बुआई हुई है, लेकिन जानकारी के बावजूद भी पुलिस और नारकोटिक्स विभाग अब तक इस नशे की खेती पर नकेल कसने का काम नहीं कर रहे। झारखंड के सुदूर और भौगोलिक दृष्टिकोण से दुर्गम इलाकों में नशे की खेती एक बार फिर जोर शोर से शुरू हुई है। इसे लेकर जमीन को तैयार किया गया है तो फसल की बुआई भी की जा चुकी है। अभी के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए किलांचल टाइम्स में। धन्यवाद।